हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट क्रिएशंस। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होता है भटूरे बनाने में, कई बार वो फूलते नहीं या कई बार उनका जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं आता और कई बार उसमें बहुत ज़्यादा तेल चला जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भटूरे की एक सीक्रेट रेसिपी। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बाउल मैदा। आपको जिस भी अकॉर्डिंग भटूरे बनाने हों उसके अकॉर्डिंग आप मैदा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जितनी भी हम मैदा ले रहे हैं उसका हाफ हम यहाँ पर ले रहे हैं सूजी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच यहाँ पर मैं रिफाइंड का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर इसे मैं हल्के हाथ से रगड़ रही हूँ ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से मैदा और सूजी में मिक्स हो जाए और नमक शक्कर भी अच्छे से मैदा सूजी में मिक्स हो जाए। बहुत से लोग जो भटूरे का डो होता है उसमें जो हमारा सोडा पाउडर होता है वो यूज करते हैं। यहाँ पर मैं सोडा वाटर यूज कर रही हूँ जो मैंने किनले का लिया हुआ है। आपके पास जिस भी ब्रांड का अवेलेबल हो वो आप सोडा वाटर ले लें और उससे ही आप अपने भटूरे के डो को लगाएं, तो इससे आपका जो भटूरा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी आप भटूरे बना पाएंगे। क्योंकि जो सोडा पाउडर हम यूज़ करते हैं उसको हमें बहुत टाइम के लिए रखना पड़ता है लगाने के बाद, और इसमें हमें मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हम अपने भटूरे बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये सोडा वाटर की हेल्प से इसे गूंथ लेती हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सोडा वाटर डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है, ये एकदम सॉफ्ट बना है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें जो भी है वो खमीर आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे बेल लेती हूँ। हमारा डो को रखे हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है और अगर आप तुरंत से इससे भटूरे बनाएंगे तो जो आपके भटूरे हैं वो येल्लो हो जाएंगे, उनका एक्चुअली कलर येल्लो हो जाएगा। तो इसलिए मिनिमम हम लोग को 15 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद आप अपने भटूरे बना सकते हैं। चलिए अब मैं इसे सेक लेती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से पुश करते हुए हमें इसे फूलने देना है। देखिए कितना बढ़िया हमारा जो भटूरा है वो फूला है। एक साइड से सिकने के बाद हमें इसे तुरंत से दूसरी साइड के लिए पलट देना है, नहीं तो अगर हम ज़्यादा देर तक इसे तेल में डाले रहेंगे एक साइड से तो एक साइड का रेड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर हमारा भटूरा बनके तैयार हुआ है। आइए इसी तरह से मैं और भी भटूरे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर हमारे भटूरे बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी कभी भी बेझिझक होके भटूरे बना सकते हैं और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके भटूरे भी इतने ही अच्छे बनेंगे जितने कि मेरे बने हैं। आप इसी तरह से भटूरे बनाइए, अपने फ्रेंड्स में खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और जिस किसी को भी भटूरे बनाने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे भटूरे बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को टच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
जो भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, और इसी तरह से मैं और भी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।